भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल कार्य समिति की एक बैठक अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा के मुख्य आतिथ्य में और मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल की अध्यक्षता में मुरारका भवन में आयोजित हुई। बैठक में आगामी जन आक्रोश यात्रा का रूट चार्ट तैयार करते हुए विभिन्न मार्गों से निकलने वाली इस यात्रा को तैयारियों हेतु कार्यों को अंतिम रूप दिया गया। जन आक्रोश यात्रा में युवा चौपाल, महिला चौपाल और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से राजस्थान सरकार की विफलताओं, कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सभाओं का आयोजन किया जाएगा। यात्रा का मंडल में अंतिम पड़ाव चौहान कॉलोनी में जाकर संपन्न होगा। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से आरोप पत्र वितरित किए जाएंगे। बैठक में अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबी है और राजस्थान अपराध का गढ़ बना है। कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था चौपट होने से आम जनता में भय का माहौल है और किसानों के कर्ज की बात कहकर किसानों के साथ भी राज्य की कांग्रेस सरकार ने छलावा किया है। जिस प्रकार जनता अब कांग्रेस सरकार को इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से उखाड़ फेंकने और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाकर राज्य में खुशहाली लाना चाहती है। यह जन आक्रोश यात्रा महाराणा प्रताप मंडल में भव्यता के साथ अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और आमजन के साथ जन आक्रोश का आह्वान किया गया। कार्य समिति की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से इसकी तैयारियों में जुट जाने और जनता की आवाज बनकर जन आक्रोश रूप में इस सरकार को हमेशा के लिए विदाई देने के लिए संकल्पबद्ध होने का आग्रह किया गया। बैठक में कार्य समिति की अध्यक्षता कर रहे नरेश मित्तल ने बताया कि महाराणा प्रताप मंडल क्षेत्र में महिला चौपाल और युवा चौपाल और जन आक्रोश यात्रा का रथ विभिन्न चौराहों और मार्गों से गुजरेगा। इस दौरान नुक्कड़ सभा और जनसभाओं का भी आयोजन होगा, जिसकी जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को दी जा चुकी है। आगामी दिनों में जन आक्रोश यात्रा मंडल क्षेत्र से ऐतिहासिक रूप से निकलेगी, जिसमें भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे और मंडल कार्यकारिणी मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं से दायित्ववान कार्यकर्ताओं के साथ अंतिम रूप से तैयारियों में जुट जाने का आग्रह किया गया है। बैठक में महामंत्री नवल बुरारका, सत्येंद्र यादव, संतोष जागृत, उपाध्यक्ष बुधराज शर्मा, ब्रिजकिशोर शर्मा, दिलीप बाबेल, नाथुलाल पारिक, पार्षद त्रिलोक शर्मा, पार्षद हरीश साखला, पार्षद मुन्नी देवी गहलोत, मंत्री प्रकाश माली, विद्युत प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष यज्ञेश शर्मा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष ललित असरवा, महिला मोर्चा अध्यक्ष तारा सोनी, शिखा गुप्ता, रामेश्वर गहलोत, जावेद मंसूरी, राकेश गहलोत, रमेश चंद्र अग्रवाल, वासुदेव भाटी, अनिल जागीर, धीरज गहलोत, दीपक दग्दी सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे।